परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं बेटा? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर कॉल्ड आईएएस ऑफिसर्स। एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स मिनिस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल इन एनी डिपार्टमेंट इफ एजुकेशन मिनिस्टर इज देयर, फाइनेंस मिनिस्टर इज देयर, ठीक है, तो मिनिस्टर विल बी कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ऑल द आईएएस ऑफिसर्स वर्किंग अंडर दोज मिनिस्टर्स एंड इन दोज डिपार्टमेंट्स they will be called permanent executives. So the difference in both the term should be clear to you. Permanent executives जो होते हैं इनकी term permanent executive permanent है, इनकी जो term होती है वो fixed होती है, ठीक है, लेकिन जो political executives हैं, जो ministers हैं, इनकी term fixed नहीं है. Basically हमारी country में elections are conducted for 5 years, तो basically इनकी जो term है That is for 5 years. Clear? Permanent executives की जो appointment होती है, IAS officers की जो appointment होती है, they have to pass test, ठीक है, like IAS exam. Exam clear करना पड़ता है, study करनी पड़ती है, they are very intelligent and interview, उनको interview pass जो है वो करना पड़ता है. जॉब आईएएस ऑफिसर्स जो है उनको आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आईएएस एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, देन इंटरव्यू होती है, उनकी सिलेक्शन बहुत स्लाइड क्राइटेरिया जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है. दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, इनका इनका जो है दैट इज इलेक्शन, इनको इलेक्शन के लिए यानी कि अपनी जिसे हम कहते हैं वोट बैंक या लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इनको किसी भी तरह से कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई इंटरव्यू नहीं है. तो मिनिस्टर बनने के लिए किसी पर्सन को पॉपुलैरिटी और उसका वोट बैंक बहुत हाई होना जरूरी है, ठीक है. देन इनके लिए पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट. मिनिस्टर बनने के लिए ऐसा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती, ठीक है, बनने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे एमपी बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट नहीं है. कोई भी पर्सन जो है वो एमपी, एमएलए या मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है, लेकिन ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ आर कंट्री, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, प्लस उनमें लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की जो है वो मेन क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. सो वी कैन से दैट देयर इज नो एज सच एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर बिकमिंग एमएलएस और एमपीस और मिनिस्टर्स, बट द रिक्वायरमेंट, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, दे शुड हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. इसके अलावा आईएएस ऑफिसर्स आर नॉट आंसरेबल, दे आर नॉट आंसरेबल. आईएएस ऑफिसर्स जो है दे आर नॉट आंसरेबल, दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, ठीक है. वट मिनिस्टर्स आर आंसरेबल, दे आर आंसरेबल टू द पीपल बिकॉज लोगों ने इनको चुन के भेजा है, दे आर आंसरेबल. फाइव ईयर्स के बाद अगर उन्होंने 5 years तक लोगों के लिए अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाई तो नेक्स्ट इलेक्शंस में लोग उनको चांस नहीं देंगे. तो कीप ऑन चेंजिंग, मिनिस्टर्स कीप ऑन चेंजिंग, 5 years के बाद कोई और मिनिस्टर होंगे, उसके बाद कोई और होंगे, तो दे विल कीप ऑन चेंजिंग. लेकिन जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो हैं इनकी रिटायरमेंट एज तक, ठीक है, इनका जो टर्म है इनकी रिटायरमेंट एज तक फिक्स होती है, ठीक है. लेकिन मिनिस्टर जो है वो 5 years के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो उनकी पोस्ट खत्म हो जाती है. उसके लिए फिर नए इलेक्शंस होंगे, नए एमपीस बनेंगे, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे और नए मिनिस्टर्स. सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. आपको क्लियर होना चाहिए, इनडायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एग्जीक्यूटिव
एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. सो दैट वॉज ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव. अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जुडिशियल. Yesterday I have discussed with you judiciary. इसमें हमने किया था बच्चे सुप्रीम कोर्ट. We have started सुप्रीम कोर्ट. Powers functions of Supreme Court. Today we will do powers functions of Supreme Court. Clear? Supreme Court के जो जज है retirement age उनकी कितनी होती है 65 years. मैंने को बताया था CJI. Chief Justice of India plus other judges. Other judges मतलब ये 25 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, depending upon, है ना? तो CJI plus other judges. They are appointed by the President with the advice of Prime Minister and Council of Minister. ठीक है, इनका removal कैसे होता है? Impeachment के द्वारा लोकसभा में removal होता है, राज्यसभा में removal होता है, 2/3 majority से इनको remove किया जाता है. यहाँ तक हमने किया था. ठीक है, अब हम करेंगे इनके पावर्स. इनकी जो है वो मेन सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है. जुडिशरी में जब भी हम बात करते हैं तो जुडिशरी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट. अब हम करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड फंक्शंस. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स नंबर वन, इनकी पावर्स क्या है. इनके पास जो केसेस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड फंक्शंस का मतलब है इनकी ज्यूरिसडिक्शन एरिया, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन आई एम टेलिंग यू, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है, इनकी पावर्स क्या है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनके कौन, इनके पास कौन कौन से केसेस आते हैं, कौन कौन से केसेस को ये हैंडल करते हैं, डील करते हैं. तो उसके बेसिस के ऊपर हमने केसेस को जो है वो दो तरह से पढ़ना है. एक पढ़ना है ओरिजिनल. ठीक है, ओरिजिनल जो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल केसेस मतलब हम ये इसमें ये कहेंगे कि ओरिजिनल ओरिजिनल फंक्शन. ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, ज्यूरिसडिक्शन भी कह सकते हैं. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल पावर्स. ठीक है, हम कुछ भी कह सकते हैं इसमें. देन कौन कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली आते हैं. ठीक है, डायरेक्टली अब आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है. तो पूरी कंट्री यानी कि अलग अलग स्टेट्स के बीच में तो कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर गवर्नमेंट. कई बार क्या हो सकता है कि दो स्टेट्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा है, या एक तरफ थ्री स्टेट्स हैं दूसरी तरफ थ्री स्टेट्स हैं, या एक तरफ थ्री स्टेट्स हैं दूसरी तरफ सेंटर गवर्नमेंट है. तो ऐसे डिस्प्यूट्स जो हैं वो सीधा किसके पास आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास. अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर गवर्नमेंट एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन between states, suppose पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है, या पंजाब एंड राजस्थान, इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा, क्योंकि स्टेट्स वर्सेज स्टेट. ठीक है, तो इसके अलावा ये सीधे केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं. इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, कुछ केसेस होते हैं जो फंडामेंटल राइट की वायोलेशन से रिलेटेड होते हैं, केसेज रिगार्डिंग वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, केसेस रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब है कि अगर हमारी कंट्री में किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग,
अगेन आई एम रिपीटिंग, ओरिजिनल का मतलब होता है ऐसे केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। कौन कौन से केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं? डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर तो एक तरफ कुछ स्टेट्स हैं एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, या डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, या एक तरफ दो मतलब जैसे पंजाब एंड हरियाणा है दूसरी तरफ यूपी है, या फिर फंडामेंटल राइट, अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं। तो ये हो गए इनके ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ केसेस सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आते, ये केसेस पहले हाई कोर्ट के पास जाते हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट के पास आते हैं, उसके बाद सपोज अगर वो पर्सन वहां से सेटिस्फाई नहीं है तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अपील करना मतलब अगर कोई पर्सन लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो रीओपन करवा सकते हैं। ऐसे जो केसेस होते हैं इन केसेस को क्या कहा जाता है, या ऐसी ज्यूरिसडिक्शन को क्या बोलते हैं? अपेलेट, अपील से रिलेटेड। इसमें ए डबल पी ई डबल एल ई टी ई, अपेलेट मींस अपील, अपील करना सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, अपील करना मतलब कि जो केस पहले हाई कोर्ट में बंद हो चुका है उसका डिसीजन हो चुका है लेकिन वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, अब वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट को कि इसको रीओपन किया जाए या इसकी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है इसके ऊपर जो डिसीजन दिया गया है जज के द्वारा उसको द्वारा से जो है रिव्यू किया जाए, अपील करना, इसको क्या बोलते हैं? अपेलेट, अपेलेट फंक्शन भी कह सकते हो, अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी कह सकते हो, अपेलेट पावर भी कह सकते हो। इसमें आपने क्या बताना, दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू हेयर द केसेस ऑफ द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू हेयर द केसेस, टू हेयर द अपील अगेंस्ट सम डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उनके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट फिर से उसको रीओपन कर सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अपेलेट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, ये वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है? अपील से। अपील का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के कुछ केसेस अगर सपोज पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि वो उनकी हियरिंग द्वारा से सुने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू हेयर द केसेस, ठीक है, अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उनके अगेंस्ट एक बार फिर से उसको रिव्यू कर। तो ऐसे जो केसेस होते हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं? अपेलेट में कौन कौन से केसेस आते हैं? सिविल केसेस, क्रिमिनल, क्रिमिनल केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ठीक है। सिविल केसेस फॉर एग्जांपल ऐसे केसेस जिस फॉर एग्जांपल जो है लाइक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, डिवोर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, तो ऐसे केसेस अगर हाई कोर्ट में अगर पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, उसको द्वारा से रिव्यू करवा सकता है। क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल मीन्स अटेम्प्ट टू मर्डर, चार्ज ऑफ मर्डर, ठीक है, तो सपोज एक पर्सन है हाई कोर्ट ने जो है वो उस पर्सन को क्रिमिनल मान लिया लेकिन वो पर्सन क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, तो वो अपना केस यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उसको द्वारा से हियरिंग करवा सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपील कैन बी मेड इफ हाई कोर्ट सर्टिफाई, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर सकता है कि ये है, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो इंटरफेयर करना चाहिए, तो ऐसे केसेस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। कुछ केसेस बच्चे ऐसे जिसमें यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लास्ट रिजल्ट, लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का मेन फाइनल माना जाता है, ऐसे केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल माना जाता है, यानी कि हाई कोर्ट डिसीजन दे भी देता है उसमें फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ऐसे केसेस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ से रिलेटेड
सपोज हाई कोर्ट जो है वो इशू कर देता है कोई भी गाइडलाइंस, लेकिन फाइनल वो सुप्रीम कोर्ट ही माना जाए। अगेन आई एम रिपीटिंग, सुप्रीम कोर्ट के हम फंक्शन कर रहे हैं इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट या ओरिजिनल, ऐसे केसेस जो सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं उनको हम बोलते हैं ओरिजिनल ओरिजिनल केसेस। अपेलेट केसेस कौन से होते हैं? अपेलेट केसेस आर दोज केसेस अगेंस्ट विच सुप्रीम कोर्ट कैन हियर द केसेस, ठीक है। अपेलेट का मतलब क्या होता है? ऐसे केसेस जिनके अगेंस्ट हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आगे अपील करता है कि इन केसेस को आगे सुप्रीम कोर्ट में ओपन किया जाए। जस्ट बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। कई बार क्या होता है कुछ केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, सपोज लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो हार जाता है, ठीक है, लेकिन उस पर्सन को पूरा यकीन है कि वो पर्सन जो है वो जीत सकता है, तो वो हाई कोर्ट में उसको केस को रीओपन कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट में भी अगर वो पर्सन उसको लगता है कि हाई कोर्ट में वो हार गया है तो वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में रीओपन करवा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट है ओरिजिनल केसेस, सेकंड है अपेलेट केसेस। अभी तक मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एनी डाउट देन आस्क हरि अप, देन आई विल स्टार्ट, रेज योर हैंड बेटा, ओके। फॉर 2 मिनट्स आई एम गोइंग टू रिवाइज बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव जॉइंड नाउ। वी आर डूइंग द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, in which I have discussed with you the judges, Supreme Court judges, how they use their power and by giving the proper decisions regarding the cases. For that we can divide the cases into 2 parts, original cases and appellate cases. Original cases are those cases which the cases comes directly in the Supreme Court, jinko seedha Supreme Court mein file jo hai wo file kiya ja sakta hai, theek hai। kaun kaun se cases hote hain, कौन कौन से केसेस हैं ओरिजिनल केसेस? द केसेस विच आर लाइक डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक तरफ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर दो स्टेट्स के बीच में आपस में लड़ाई होती है। जैसे हम कह सकते हैं कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है उसमें दो स्टेट्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। लाइक कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या डैम से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड कुछ स्टेट्स के बीच में या रिवर्स से रिलेटेड कुछ स्टेट्स के बीच में आपस में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, तो दीज काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स कैन बी हैंडल, और ये केसेस जो है वो ओरिजिनल केसेस आते हैं। ये सीधे केसेस कहाँ पे आते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, केसेस रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो ऐसे केसेस भी सीधा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि वो पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है उसको उसकी प्रोटेक्शन ले सकता है, ठीक है। ये हो गए ओरिजिनल पावर या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सेकंड इज अपेलेट, अपेलेट वर्ड याद रखो APPELLETE, अपेलेट का मतलब होता है अपील से रिलेटेड, रिलेटेड विद द अपील। अपील का मतलब अपील कर सकता है। अपील दो तरह से होती है, एक तो एक पर्सन जो है वो हाई कोर्ट में हार गया है, अब वो अपने लॉयर को ये बोलेगा कि हाँ जी मुझे अब सुप्रीम कोर्ट में अपना केस भी ओपन करवाना है, तो मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट से है कि वो मेरे केस को फिर से रीओपन करे, या फिर हाई कोर्ट खुद भी अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो केसेस हैं ये इनका ये रिजल्ट है, अब ये जो केसेस हैं ये आगे सुप्रीम कोर्ट इनको हैंडल करे, ठीक है। तो इस तरह से सर्टिफाइड, सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि हाई कोर्ट सर्टिफाइड, हाई कोर्ट जो है प्रॉपर जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में तभी लेकर जाएंगे जब वो पर्सन जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, अपेलेट जो जुरिस्डिक्शन है, अपेलेट जुरिस्डिक्शन में जो केसेस हैं, कितने तरह के केसेस आते हैं? 3 तरह के केसेस आते हैं। केसेस होते ही बेसिकली या तो सिविल केसेस होते हैं या क्रिमिनल केसेस होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं। सिविल केसेस एनी 2 एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी डाइवोर्स से रिलेटेड होता है, सपोज प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम है या डाइवोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस होते हैं सिविल जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ऐसे केसेस जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता उनको बोलते हैं सिविल केसेस। तो ये जो सिविल केसेस हैं, ठीक है, ये सिविल केसेस जो हैं वो पहले कहाँ पे आते हैं? पहले लोअर कोर्ट में, उसके बाद हायर कोर्ट में, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सीधा ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते,
अगर कोई पर्सन की प्रॉपर्टी, अगर किसी सपोज कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, वो सीधा गए कि हाँ जी मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस करना है, इज इट इज नॉट पॉसिबल। उसको पहले कहाँ पे लोअर कोर्ट में अपना केस फाइल करना पड़ेगा, जो लोकल कोर्ट है, लोकल कोर्ट में जाएगा। उसके बाद अगर वहां से सेटिस्फाई नहीं है फिर वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं है फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब ये जो है ये सीधा डायरेक्टली डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। सेकेंड इज क्रिमिनल अटेम्प्ट टू मर्डर, चार्ज ऑफ मर्डर, ठीक है, या किसी भी तरह से कोई भी ऐसा केस है जिसमें क्राइम इन्वॉल्व, ठीक है। केसेस पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, ये जो केसेस है क्राइम से रिलेटेड जो केस जितने भी केसेस होते हैं ये पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट के बाद ये हाई कोर्ट में जाते हैं। अगर सपोज हाई कोर्ट में भी पर्सन सेटिस्फाइड नहीं, उसको लगता है कि वो क्रिमिनल नहीं है लेकिन उसको पनिशमेंट दी गई है, तब वो अपील करेगा कि उसका केस जो है वो कहाँ पे ओपन हो, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देंगे दैट विल बी द लास्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोई भी जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते। देन इज कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का मतलब होता है जिसमें सपोज गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया लेकिन वो जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है, गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंग कुछ और बना लिया, ठीक है। तो सपोज कई बार क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन की मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग जो है, जो जब लॉ बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग लॉ नहीं बन पाता, तो ऐसे केसेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ये केसेस भी लोअर कोर्ट में पहले जाते हैं फिर हायर में जाएंगे, और उसके बाद अगर उसको अपील किया जाएगा, अपील का मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, तो ही सुप्रीम कोर्ट उनकी जो है वो डिसीजन सीधे नहीं आएंगे। अपैलेट का मतलब होता है, ओरिजिनल का मतलब सीधा आ सकता है, अपैलेट का मतलब ये सीधे सिविल क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हैं ये सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, पहले ये लोअर कोर्ट में जाते हैं फिर ये हाई कोर्ट में जाएंगे, और उसके बाद हाई कोर्ट इसकी अपील, अपील का मतलब क्या होता है, लिख कर देगा, सर्टिफाइड करके देंगे जजेस की अब इन केसेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ओपन किया जाए, या पर्सन खुद भी चाहता है इन केसेस को ओपन करना सुप्रीम कोर्ट में तो ही वहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इतना जिसमें कहते हैं कि पूरी कंट्री, अब इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट कैसे हैंडल करेंगे, तो इसीलिए हमारी कंट्री में कोर्ट सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ताकि केसेस जो है नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर जो है वो प्रॉपर डिविजन हो जाए, ताकि लोगों का टाइम से क्लियर। सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ ओनली 2, फर्स्ट इज ओरिजिनल एंड सेकेंड इज अपैलेट। अपैलेट जुरिस्डिक्शन, अपैलेट का मतलब होता है केसेस विच आर रिलेटेड टू अपील फॉर द फ्रॉम द हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, इज इट क्लियर टू यू। इसके अलावा थर्ड फंक्शन जो है दैट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जो है दैट एक्ट एज अ गार्जियन, गार्जियन मतलब जैसे प्रोटेक्ट करता है, हम ये भी लिख सकते हैं प्रोटेक्टर, सेफ गार्ड, गार्जियन। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, कोई डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर। फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है, ठीक है, फाइनल इंटरप्रेटर एक कॉमन लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, किसको समझ आएगी, जजेस को समझ आएगी ना, जिन्होंने लॉ पढ़ा है। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ पास कर देती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस पावर को सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू भी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं इसको, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ पास कर देती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं लिखा हुआ लेकिन गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को वो लॉ अनडिक्लेयर, अनडिक्लेयर का मतलब होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, और फिर से
फिर से मतलब लोकसभा राज्यसभा को वो बिल फिर से पास करना पड़ेगा, फिर से उसको रिव्यू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्जियन और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ गवर्नमेंट पासेस एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो दिस पावर इज आल्सो नोन एज जुडिशियल रिव्यू, इस पावर को जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, क्लियर। तो इट्स 9:35 नाउ, सो आई एम गोइंग टू एंड, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट, हरी अप, रेज योर हैंड, यस बेटा रेज योर हैंड, हाँ जी, नाइन्थ बी आल्सो ज्वाइन, यस एनी डाउट बेटा।